नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप जानने वाले हैं कि यूपी बीएड का रिजल्ट कैसे चेक करें। जैसे कि दोस्तों, यूपी बीएड का रिजल्ट आ चुका है, आप अपने मोबाइल से ही बहुत ही आसानी तरीके से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले अपने मोबाइल में ओपन कर लीजिएगा गूगल क्रोम, या आपके मोबाइल में जो भी ब्राउजर हो आप अपने मोबाइल में वो ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। और ब्राउजर को ओपन होने के बाद में आपको उस पर टाइप कर देना है सरकारी रिजल्ट, इतना डाल के आपको सर्च पे प्रेस कर देना है। तो आप सरकारी रिजल्ट डाल के जैसे प्रेस करेंगे तो आपको सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, जो लिखा होगा sarkaririzalt.com, आपको इस वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। तो आप इस वाली वेबसाइट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये सरकारी रिजल्ट का ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाएगा। तो आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हुए थोड़ा नीचे आ जाना है, और नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा होगा यूपी बीएड 2022 एंट्रेंस रिजल्ट, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप इस वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये अगला डिटेल कुछ इस तरह का शो होके आ जाएगा। तो आपको थोड़ा नीचे आ जाना है, और नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में लिखा होगा डाउनलोड रिजल्ट, और यहाँ पर लिखा होगा क्लिक हियर, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप क्लिक हियर पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये अगला डिटेल कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर अपना यूजर आईडी डाल देना है, और आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देना है, और पासवर्ड डालने के बाद में आपको लॉगिन पे प्रेस कर देना है। और अगर दोस्तों आपके पास पासवर्ड नहीं है, आप पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप यहाँ से देखिए ऑप्शन मिल जाता है फॉरगेट पासवर्ड, तो आप यहाँ से जो है अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में आपको लॉगिन पे प्रेस कर देना है। आप लॉगिन पे जैसे प्रेस करेंगे तो ये आपके यूजर आईडी लॉगिन पासवर्ड पे ये लॉगिन हो जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह का विंडो ओपन होके आया है। तो दोस्तों, आपका पूरा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शो होके आ जाएगा, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, यहाँ पर पूरी डिटेल आपका शो होके आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए बगल में लिखा होगा स्कोर कार्ड, तो आपको स्कोर कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और स्कोर कार्ड वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा होगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड, जो कि यहाँ पर देखिए बीच में जो लिखा होगा हेयर, हेयर जो है कुछ हाईलाइट में होगा, तो आपको इस वाले हेयर पे क्लिक कर देना है। तो आप हेयर पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका रिजल्ट कुछ इस तरह का डाउनलोड हो जाएगा। तो आप जो है अपना रिजल्ट ओपन करके देख भी सकते हैं। यहाँ पर जैसे ओपन करके उस पे प्रेस करेंगे तो ये आपका रिजल्ट कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका रिजल्ट जो है पूरा ओपन होके आ गया है। यहाँ पर देखिए कितना करेक्ट रिस्पांस नंबर आया है, और रॉन्ग रिस्पांस नंबर कितना है, और नॉट अटेम्प्ट नंबर कितना है, यहाँ पर टोटल मार्क पेपर वाइज यहाँ पर कितना नंबर आपको मिला है। और यहाँ पर देखिए अगर आप रिमार्क में जो है लिखा होगा एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, तो आप जो है काउंसलिंग के एलिजिबल हैं, आप काउंसलिंग करवा सकते हैं अपना। तो आप इसी तरह से जो है अपना बीएड का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि बीएड का रिजल्ट कैसे चेक किया जाता है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।